गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। गाइस हम तुमने काफी टाइम बाद इतनी देर के बाद ये मिला वो भी हम अर्चना के ब्लॉग YouTube चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। सो गाइस मैं ब्लॉगिंग काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ क्योंकि ना थोड़ा सा कॉलेज का प्रेशर होता है ना, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, सो ब्लॉगिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस टाइम मतलब आज मैं सोची करूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है उतना। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो भी होगा मैं ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस। सो गाइस मैं और मेरी दोस्त पेड़ में बांध दो तो इसमें जो जो इसमें रेफ्रिजरेशन मैट, फ्रीजिंग मैट, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है फ्रूट के लिए? फ्रूट पे टिक ये है सर हमारे का? तो हम खड़े होकर भी बना सकते हैं। कितनी अच्छी लड़की है, फोटो लेना है। वो तो प्राचीन काल से ही अच्छी थी। आज के इस प्रशिक्षण में परम सम्मानित परम आदरणीय हमारे उद्यान अधिकारी आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी और मनोज कुमार सिंह जी और आपके महाविद्यालय के छात्र तुषार जी और आपके इसके उद्यान विभाग के सभी स्टाफ का हम पूरे कृषि कॉलेज के छात्रों की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज पढ़ रहा है फास्ट फूड पढ़ रहा है। अब फास्ट फूड का ट्रेंड जो आया है वो सब ज्यादा कहाँ से आ रहा है? किसके वो जो पोर्शन जो भी सब्जी फल का उत्पादन हो रहा है वो हॉर्टिकल्चर का पोर्शन ज्यादा से ज्यादा है। चिप्स 20 ग्राम आलू का चिप्स 20 रुपए का मिल रहा है। सोच लीजिए आलू का प्रोडक्शन हमारे और आपके यहाँ हो रहा है और उस 20 ग्राम आलू का चिप्स जब आप लेने जाते हैं तो 20 रुपए का मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वैल्यू एडिशन हो रहा है। आप अभी से उद्यमी बनो, व्यवसायी बनो। इतनी देर के बाद ये मिला वो भी एक, और मेरी फ्रेंड भी नहीं ली तो जो बच गया। बोलो। सो गाइस ये वाला पार्क में आप लोगों ने दिखाई थी ब्लॉग में और ये बच्चे हैं जो छोटे छोटे झूल रहे हैं। हेलो। ये बहुत ही अच्छी लड़की है। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात है नहीं। हाँ ये जो बच्ची थी अभी झूल रही थी वही है। यार चलते हुए आ रहे हैं ना तो बोलते बोलते आएंगे यार। बस हो गया, आओ आओ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम अर्चना के ब्लॉग में हैं। नहीं। और आज अर्चना के ब्लॉग में हम देखने जा रहे हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, तो उसके साथ बने रहें और बहुत इंटरेस्टिंग बातों के साथ फनी लोगों से भी मिलें। जैसे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। बहुत अच्छी लड़की है। थैंक यू। और मैं फनी हूँ तो यार मैं नौटंकी दिखती हूँ। ये सब पौधा है यार, ये देखो अमरूद का है। दिव्या अमरूद का है। निशिता तुम कहाँ गई थी? चलो गर्मी बहुत है पार्क।
सो गाइस काफी बाहर धूप है यार, क्या ही बताया जाए आज का दिन। हाँ चल रहा। सो गाइस बाय बाय। ये ब्यूटीफुल सा जिला उद्यान अधिकारी का है और अब हम लोग जा रहे हैं घर पे। सो एक लुक। निशिता ये गन्ने का जूस मिस करोगी ना तू? तुम भी बहुत जल्दी जाओ। सो गाइस बैक टू वे। गाइस साहब कितना धूप है। बैक टू होम। क्या बोलो शू? सो गाइस अभी हम लोग कॉलेज से आ गए घर पे एंड हम लोग गए थे आज उद्यान विभाग, आप लोग ब्लॉग में देखे ही थे और वहाँ पर जो भी हुआ मैं ब्लॉग में पूरा आप लोग को दिखाई एंड और भी जगह गई थी तो बट ना इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना यार कि ब्लॉगिंग करने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं पिंट करने वाली हूँ और हम लोग मिलेंगे जल्दी एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी के लिए बाय।